आज के इस वीडियो में बताएंगे मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना जो कि 2020 में 10th फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, उनको सरकार के द्वारा 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि मिलेगा, जिसके लिए अब उनको मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा, अपनी बैंक डिटेल और इनकम प्रूफ सबमिट करना होगा। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए किस तरह आवेदन करते हैं। जो भी स्टूडेंट 2020 में मैट्रिक से फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं उनके लिए है। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, अगर आप स्किप करके देखते हैं और कोई जानकारी आपसे छूट जाती है और आप अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से आपका पैसा न आ पाता है, रुपया नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से आपका अप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जानेंगे पूरी विस्तार से और अच्छी तरह से करेंगे इस वीडियो में, लाइव आपको हम दिखाने जा रहे हैं ताकि रिजेक्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको ई कल्याण की इस वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सबसे नीचे आएंगे मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो देख जान लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगेगा जो कि लॉगिन करते वक्त देना होगा। उसके बाद स्टूडेंट का बैंक डिटेल लगेगा जो कि बैंक अकाउंट नेम और बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड लगेगा। उसी के साथ साथ इनकम प्रूफ लगेगी, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आय प्रमाण पत्र, इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। और साथ साथ एक मोबाइल नंबर लगेगा, वो मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP देगा, आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, उसके लिए चलिए यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ देंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो जितना मार्क आया मैट्रिक में वो देंगे। इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। इस तरह डिटेल देने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह खुलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होता है, तो यहाँ पे एक कोई मोबाइल नंबर देंगे जो भी एक्टिव है, जिस पर OTP जाएगा, मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह OTP हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP भेज दिया, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। OTP देने के बाद यहाँ वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना होगा अपडेट बैंक डिटेल, तो अपडेट बैंक डिटेल करने के लिए अपडेट बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह डिटेल आ जाएगा, जो स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे आपको देना जो भी उनका आधार कार्ड में नाम है वो नाम देना होगा, और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको देना होगा स्टूडेंट का। उसके बाद आधार वेरीफाई पे क्लिक करिए। जब स्टूडेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ आधार से मैच कर जाता है तब ये वेरीफाई हो जाएगा और यह ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी लाल कलर में ये दिखा रहा है। ठीक है, उसका जो मोबाइल नंबर आपने दिया वो दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम देना होगा, जो भी नाम उनके बैंक अकाउंट में वो नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर जिस बैंक का अकाउंट दे रहे हैं उस बैंक का IFSC कोड यहाँ पर इंटर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, मैं ब्रांच का IFSC कोड दिया, उसके बाद रिडायरेक्ट हो रही है। जैसे ही आप IFSC कोड देंगे ये बैंक का नाम यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर देंगे और उसी बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ये पूरी डिटेल देने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये बैंक डिटेल अपडेट हो जाने, अपलोड इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड इनकम सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे यहाँ पे 400 KB में आपको अपलोड करना होगा इनकम सर्टिफिकेट, जो कि आपको PDF में अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं KB 400 KB में होना चाहिए, वो PDF में होना चाहिए। तो अपलोड करने के लिए आपको, तो उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। तो अपलोड कर देना होगा, PDF बना के, मैंने PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। अपलोड कर देंगे और फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्का लगाना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यस या नो का आपको पूछेगा ऑप्शन, तो आपको वहाँ पे यस करके इसको फाइनल सबमिट कर देना होगा। नीचे मुझ की फाइनल सबमिट करेंगे तो ये देख सकते हैं, फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट जब आपका हो जाएगा
तो आपको एक रिसिप्ट जनरेट करके दे दिया जाएगा, वो रिसिप्ट आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो यही था पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का।